नमस्कार, मैं नमेश, आपका चैंपस स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिन महिलाओं की एज 23 साल से लेके 60 साल के बीच में है, उन सभी महिलाओं को 1,000 रूपए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तरफ से हर महीने 1,000 रूपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तरफ से हर महीने 1,000 रूपए लेना चाहते हैं तो आपकी समग्र आईडी की EKYC कम्प्लीट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, आप अपनी EKYC को कैसे चेक कर सकते हैं, आपकी समग्र आईडी की EKYC कंप्लीट है या नहीं है। अगर आपकी समग्र आईडी की EKYC कंप्लीट है तो आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अगर आपकी समग्र आईडी की EKYC कंप्लीट नहीं है तो आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समग्र आईडी की EKYC को ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको गूगल में लिखकर सर्च करना है samagra.jubi.in। इस तरह से आपको गूगल में लिखकर सर्च कर लेना है samagra.jubi.in, ठीक है। इस तरह से आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी samagra.jubi.in, आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो समग्र पोर्टल है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा महत्वपूर्ण जानकारी, आपको इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको पहले यहाँ पर हेडिंग देखने को मिलती है समग्र आईडी जाने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पहली वाली यहाँ पर हेडिंग पे आना है और यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार आईडी से। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है परिवार आईडी से, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपकी जो भी समग्र परिवार आईडी है उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी परिवार आईडी यहाँ पर आपको अपनी डाल देनी है। परिवार आईडी नंबर डालने के बाद इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए आपको कैप्चा कोड मिलता है, यहाँ पर आपका जो भी कैप्चा कोड है उसी कैप्चा कोड को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना कैप्चा कोड डाल देता हूँ, इस तरह से आपको अपना यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने में जाता है समग्र कार्ड प्रिंट करें, यहाँ से देखिए आप अपने EKYC को भी देख सकते हो और अपने कार्ड को भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको समग्र कार्ड प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो भी समग्र कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखने मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समग्र आईडी, ठीक है। आपकी जो भी समग्र आईडी है वो यहाँ पर आप अपनी समग्र आईडी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखने मिलता है आधार नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सदस्य का नाम भी दिया गया है, आपका नाम क्या है, यहाँ पर आप अपना नाम भी देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अपनी EKYC को कैसे चेक करना है, आपकी EKYC कंप्लीट है या नहीं है। देखिए अगर आपकी EKYC कंप्लीट है तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने मिलेगा उपलब्ध है। उपलब्ध है इसका मतलब ये है आपकी EKYC समग्र आईडी की कंप्लीट है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिला है उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है इसका मतलब ये है आपकी समग्र आईडी की EKYC कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपकी EKYC कंप्लीट है या नहीं है। अगर आपकी EKYC कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आपको उपलब्ध है ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आपकी EKYC कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी समग्र आईडी की EKYC को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं EKYC कंप्लीट है या नहीं है। देखिए अगर आपकी समग्र आईडी की EKYC कंप्लीट नहीं है तो आप अपनी EKYC को ऑनलाइन कर सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप अपनी समग्र आईडी की EKYC को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।